नमस्कार दोस्तों, आज के पार्ट में हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था स्कीमा हम कैसे बनाते हैं, और विजुअल स्टूडियो में हमने देखा था एकदम फास्ट हमारा क्रिएट हो गया था। तो अब हम डेटा टाइप देख रहे हैं कि हम जो भी अपने डेटा रख रहे हैं, कंटेंट जो अपने एलिमेंट्स में रख रहे हैं, उनका डेटा टाइप कैसे हम मैनेज करें। तो कुछ हमारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग है, डेसिमल है, इंटीजर है। इनमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ एक-एक यूज कर करके। सबसे पहले डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब वो न्यूमेरिकली हैंडल नहीं होगा वो डेटा, आप उसमें कुछ भी रख सकते हो। कैरेक्टर्स रख सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हो, पॉइंट वाली वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वैल्यू। वो एज इट इज वो शो करेगा। आप फ्यूचर में अगर वो आप न्यूमेरिकली हैंडल करना चाहोगे कि हाँ भाई अगर 10 और 10 स्ट्रिंग वैल्यू 10 और 10 दो हैं, तो उनको जोड़ के वो 10 और 10 लिखेगा एक साथ। पर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो 10 और 10 को 20 लिखेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग में आप जो भी रखना चाहो, आप जिनके ऊपर कोई कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते, उसका डेटा टाइप आप स्ट्रिंग रखो। जैसे मैंने ये है दिलीप लिख रखा है, गंगवार लिख रखा है, मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर भी मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो इसको भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ मैं। जैसे मेरी XSD फाइल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को स्ट्रिंग दे रखा है, ऐसे ही मैं इसको भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ इसको यहाँ पे, कि जरूरत नहीं है उसकी। कोई ऐसा डेटा टाइप न्यूमेरिकली हैंडल करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया एज, तो एक न्यूमेरिकल चीज हुई ना, इसको डेटा टाइप जब देंगे हम, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एज डाल दी कुछ भी 24। अब इसका डेटा टाइप जब मैं लूंगा तो वो न्यूमेरिक डेटा टाइप ले लूंगा। अच्छा, एक चीज क्यों ये एरर दे रहा है, देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे। देखिए एरर क्या दे रहा है, द एलिमेंट कॉन्टैक्ट हैज इनवैलिड एलिमेंट, है ना। तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम इसकी XSD फाइल बना चुके हैं और यहाँ पे ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। अगर SSD में मैं ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे ऐड कर दिया एज, है ना, और इसको मैं इंटीजर दे सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एरर गॉन, एरर चली गई, पर इस वाले में ये है नहीं, तो मुझे इसमें भी डालना पड़ेगा। तो ये हमारा XSD का फायदा होता है, जब हमने XSD बना ली उसकी, उस फाइल की हमारी XSD बनी हुई है, तो XSD में जो होगा, जो डिफाइन करा हुआ है, वही यहाँ पे चलेगा। अब अगर XSD में डिलीट कर दूं, यहाँ पे इस XSD फाइल को जाने के लिए ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और ये देखिए मेरी XSD फाइल बनी हुई है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से और इसको बंद कर दूं यहाँ पे, ठीक है, अब इसकी कोई XSD नहीं है। अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा ना, जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी नाम का एक एलिमेंट करा, तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, क्योंकि अब इसकी XSD नहीं है। तो XSD का आपने फायदा देखा ना। जब मैंने पिछली बार एज एलिमेंट ऐड किया था, तो मुझे यहाँ भी करना पड़ा था, यहाँ एरर आ रही थी, क्योंकि XSD थी इसकी। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, दूसरे कॉन्टेक्ट में ईमेल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके कॉपी कर देता हूँ। अब मैं इसकी XSD अगर क्रिएट करता हूँ, एग्जाम्पल पे जाओ और क्रिएट स्कीमा, ये देखिए आपकी XSD क्रिएट हो गई, XSD सेव हो गई मेरी। अभी मोबाइल है, मैं इसको स्ट्रिंग ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया मैंने। तो ये अनसाइंड बाइट, ये देखिए बाइट जो न्यूमेरिक हमारे डेटा टाइप है, उनको समझने के लिए आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसमें ध्यान रखना, आपको सभी डेटा टाइप हमारे स्मॉल करेक्टर से स्टार्ट हैं, और अगर लंबा नाम है तो बीच में अगर जो अगला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। आपको बाइट पता होगा, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो जो बाइट है हमारा वो 8 बिट के बराबर है। इंटीजर वैल्यूज क्या होती है हमारी, जो प्लस माइनस हमारी, जो 0 से लेके आगे तक की, पीछे तक की, ये सब हमारी इंटीजर वैल्यूज होती हैं। 8 बिट तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो इसमें। इसीलिए जैसे ही हमने यहाँ पे एज नाम का ये डाला था ना, एज नाम का एलिमेंट जैसे ही हमने डाला था, तो उसने अपने आप उसको बाइट, अनसाइंड बाइट लिख दिया। अनसाइंड क्यों लिखा, और साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस है, ये भी बता देता हूँ। साइंड वो डेटा टाइप्स हैं जो जिसमें प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये देखिए इंटेलिजेंस इनकी कितनी अच्छी है, कि उन्होंने ये देखा कि एज नाम का ये एलिमेंट है, एज यानी उम्र, तो माइनस में तो उम्र होगी नहीं, इसलिए उसको साइंड नहीं लिखा। अगर आपको साइंड बाइट लिखना है, तो आपको BYT इस तरीके से डेटा टाइप आपको लेना पड़ेगा। ये साइंड हो गया, इसका मतलब हो गया अब इसमें प्लस में भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अंदर प्लस में भी वैल्यू स्टोर हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है। और अगर इसको आप अनसाइंड रखते हो ऐसे करके, तो फिर उसके अंदर माइनस में वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। देखिए तुरंत एरर आ गई, और लिख भी रहा है क्लियर, द एज एलिमेंट इज इनवैलिड, -24 इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप।
तो अगर हम अनसाइंड रखते हैं तो उसके अंदर माइनस में वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, आप सही है ना, कोई एरर नहीं। तो इस तरीके से हमें डेटा टाइप सारे समझ लेते हैं एक एक करके। किसी डेटा टाइप, किसी एलिमेंट का डेटा टाइप अगर बाइट ले लेते हैं तो उसमें 8 बिट तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। 8 बिट का मतलब क्या हो गया, 1 बिट का मतलब होता है 1 बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मतलब 0 या 1, सब 0 1 में ही कैलकुलेशन होती है बिहाइंड द स्क्रीन। तो 0 या 1, 1 0 1 1 कोई भी, तो ऐसी 8 वैल्यू, 0 1 0 1, 8 डिजिट का मतलब हो गया, 8 बाइनरी डिजिट का मतलब हो गया 1 बाइट। अब अगर अपन को कभी पता लगाना हो कि हाँ भाई, मैंने वैसे एक सी शार्प का हमारा जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है कि कैसे हम बाइट को, कैसे हम बिट निकालें, अगर कन्वर्ट करें हम किसी वैल्यू को, 1 बिट का मतलब है 1 बाइनरी डिजिट, 0 या 1, तो हम 0 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। एक नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ मैं आपको इसका। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 100 अपन, और 100 को इसको अपन को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 2 में कन्वर्ट करना है अपन को, 0 और 1 में, तो 2 से भाग देना है हमेशा इसको, 2 पंजे 10, ठीक है। तो अब इसका रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर कितना बचा अपना, 0 रिमाइंडर बचा। फिर दोबारा भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब देखो भाग दिया अपन ने इसके अंदर, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1, और अब इस 1 में अपन देंगे फिर वापस, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, ये लास्ट हमारा 1 रिमाइंडर बच गया, जाएगा नहीं उसमें टेबल। तो हमारा क्या हो गया, बाइनरी डिजिट हमारी ये पूरी, हमारी ये बाइनरी डिजिट है। तो क्या आएगा हमारा, 1 1, इसको उल्टा लिखना है अपन को, ये 100 की बाइनरी डिजिट है, आप ये समझ लो 100 नंबर की। अगर 100 वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो, आप देखो कितनी बाइनरी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बाइनरी डिजिट हो गई, यानी यानी 8 बिट में तो आ ही जाएगी। 8 बिट का मतलब हो गया 8 बाइनरी डिजिट, ये 7 बाइनरी डिजिट है, यानी 100 तक की वैल्यू आराम से 1 बाइट में आ सकती है। क्लियर है, ऐसे करके हम कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हम कितनी तक वैल्यू, हम अपनी जनरल जो नॉर्मल हमारी रियल लाइफ की वैल्यूज हैं कैसे कन्वर्ट करके हम पता लगा सकते हैं। तो बाइट का मतलब हो गया साइंड 8 बिट। साइंड का मतलब मैंने बता दिया, प्लस हो या माइनस हो, 8 बिट की वैल्यू अपन स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड में आप ध्यान रखना है, सिर्फ प्लस वैल्यू स्टोर कर सकते हो, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। इसीलिए वहां पे उसने क्या दिया था हमारे को, अनसाइंड बाइट दे दिया था इंटेलिजेंस ने। शॉर्ट हमारा दूसरा डेटा टाइप है, इसके अंदर 16 बिट तक की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, यानी जस्ट डबल है हमारा बाइट से। और अनसाइंड करते हो आप उसको, तो वही पॉजिटिव वैल्यू। डेसिमल, डेसिमल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें पॉइंट की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। एक ही ऐसा डेटा टाइप है इस पूरे में जिसमें अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर करनी है, डेसिमल वैल्यूज, दशमलव वाली संख्याएं स्टोर करनी है, तो डेसिमल वैल्यू लेनी है आपको, डेसिमल डेटा टाइप। फिर उसके बाद इंटीजर आ जाता है, इंटीजर में ध्यान रखना इंट है, इंटीजर एक अलग डेटा टाइप है। तो इंट के अंदर 32 बिट तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। और अनसाइंड इंट होगा तो वही अनसाइंड है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, और उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो इंट के अंदर 32 बिट तक की। फिर उसके बाद लॉन्ग है, लॉन्ग है हमारा 64 बिट का है, जस्ट वही डिफरेंस है पॉजिटिव साइंड और अनसाइंड। साइंड लगाने की जरूरत नहीं होगी, जो भी आप डेटा टाइप आप ले रहे हो, बाइट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, इस साइंड लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। डेसिमल साइंड अनसाइंड नहीं रहेगा क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है, वो साइंड अनसाइंड के लिए एक जैसे ही चलेगा। और अनसाइंड का मतलब हो गया सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, साइंड का मतलब हो गया दोनों टाइप की वैल्यू। अब इसमें कुछ अलग, ये प्रोग्रामिंग में भी हमारे यही डेटा टाइप चलते हैं, शीशा वगैरह में भी यही चलते हैं, लिखने का तरीका अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारा ये चीजें देखो कुछ अलग है डेटा टाइप, इसमें निगेटिव इंटीजर, इसके अंदर सिर्फ आप निगेटिव वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, -1 से लेके नीचे तक की निगेटिव वैल्यू। अगर नॉन निगेटिव लेना है तो 0 से लेके ऊपर तक की सारी वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हो, पॉइंट वाली नहीं, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी 0 से, जो निगेटिव इंटीजर था ना वो सिर्फ -1 से स्टार्ट था, उसमें 0 नहीं स्टोर कर सकते आप। नॉन पॉजिटिव इंटीजर है यानी 0 से, यानी पॉजिटिव के अलावा, नॉन पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव छोड़ के बाकी सारी वैल्यू, यानी 0 भी और निगेटिव वैल्यू भी। और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर है अपना जिसके अंदर अपन 0 छोड़ के 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, वो सारी वैल्यू। और इंटीजर एक अलग डेटा टाइप है, इंट भी लिखते हैं अपन शॉर्ट में, 32 बिट का है, और इंटीजर हमारा एक अलग डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू आप आराम से स्टोर कर सकते हो। क्लियर है, तो ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं।
यहाँ पे हमने ये देख ही लिया। अगर आप चाहे देखिए अनसाइंड बाइट अपन ने ले रखा है, बाइट वाला मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था आपको। अगर मैं आपको यहाँ पे इंटीजर ले लूँ तो आप इंटीजर वैल्यू के लिए कोई एरर नहीं है, आराम से आप ले लीजिए। अगर बड़ी बड़ी वैल्यू डालेंगे यहाँ इंटीजर के हिसाब से, आप सोचेंगे कितनी भी बड़ी वैल्यू में डाल दूं तो देखिए तुरंत एरर आ गई। क्या बोल रहा है ये, आपके 32 बिट से ज्यादा होगी वैल्यू। देखो आप यहाँ क्लियर लिख रखा है इज नॉट अ वैलिड 32 बिट वैल्यू। तो जितना बड़ी वैल्यू के लिए आपको उतना ही बड़ा डेटा टाइप लेना है, जिस वैल्यू के हिसाब से आपने डेटा टाइप लिया है। ये देखिए कम कर दीजिए, कोई इशू नहीं। और शॉर्ट देख लीजिए आप, जैसे शॉर्ट हो गया, आप अनसाइंड शॉर्ट लिखना चाहते हैं, एरर तुरंत आ जाएगी अगर आप कुछ गलत करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी डेटा टाइप आराम से आप यूज कर करके देख सकते हो। सबका मैंने साइज आपको बता दिया। अब जैसे देखिए निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव अब आई बड़ी लगानी पड़ेगी। ये देखिए अगर आप गलत लिखोगे तो यहाँ पे तुरंत आ रहा है, ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है इस स्कीमा के अंदर। मैंने बताया ना जो अपन ने, ये देखिए क्या एरर दे रखा है, www.w3organization, जो हमने स्कीमा नेम स्पेस ऊपर ले रखा है, इस नेम स्पेस में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। आप देखिए कोई एरर नहीं है, निगेटिव इंटीजर। अब ये देखिए हमने एज में लिखा है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर क्या हो गया यहाँ पे, देखो तुरंत एरर आ गई। यानी सिर्फ निगेटिव वैल्यूज ही आएंगे इसमें, अब एरर चली गई। आप इसमें जीरो भी नहीं डाल सकते, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव वाली है, जीरो भी नहीं डाल सकते। आप देखिए एरर आ गई जीरो के, माइनस डाल दोगे आप तो सही रहेगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है। तो डेटा टाइप हमारे क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा एकदम जो हमने डेटा टाइप डिक्लेयर करा है वही वैल्यू हम उसमें स्टोर करेंगे, तो एकदम बढ़िया वैलिडेशन चलती रहेगी ना। उसके बाद हमारी डेट और टाइम, हमारे दो डेटा टाइप्स हैं, इनको भी यूज करके देख लेते हैं। किसी पे चेंज करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, टाइप हमारा चेंज करना है हमें, तो हम यहाँ पे डेट दे सकते हैं डेटा टाइप हमारा। अब डेट आपको फॉर्मेट में आराम से डालनी है इसको। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेट ऐसे डाली तब भी यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि इस फॉर्मेट में डेट नहीं डलेगी। आपको ध्यान होगा डेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, ये होता है फॉर्मेट हमारा डेट के लिए एक्सएमएल में। ठीक है ना, ये मैंने कमेंट कर दिया, बताया था ना कमेंट कैसे करता है, अब इसको कोई इशू नहीं है। यानी सबसे पहले आपको साल डालना है, ये देखिए 2020 चार डिजिट में, वाई 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 का मतलब चार संख्याओं में, यानी सिर्फ 20 नहीं लिख सकते हैं, आपको 2020 लिखना है। फिर उसके बाद मंथ डालना है और फिर उसके बाद आपको डालना है डे, डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, और वो वहां भी मुझे एक्सएसडी में भी चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना DOB। और इस नाम का आपको मैं यहाँ पे नीचे भी डाल देता हूँ सिटी के बाद, नहीं तो नीचे भी एरर आती रहेगी। अब देखिए DOB नाम का यहाँ पे भी मेरे को अपना एलिमेंट का नाम, अब मैंने एज की जगह क्या कर दिया है DOB कर दिया ना, ये देखिए, और यहाँ पे एरर गॉन। तो आप इस फॉर्मेट में आपको डालना है। आप यहाँ पे किसी भी दूसरे फॉर्मेट में अगर आप डालेंगे, मैंने मान लो डाल दिया 12 12 21 डाल दिया, तो यहाँ पे तुरंत एरर आ जाएगी, ये देखिए। और एरर में भी ये क्लियर लिख रखा है यहाँ पे, जो हमारा फॉर्मेट है द वैल्यू इनवैलिड इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट, इस नेम स्पेस के हिसाब से ये हमारा वैलिड फॉर्मेट नहीं है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा टाइम है, जैसे टाइम का देखिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, ये टाइम का हमारा फॉर्मेट है, ठीक है ना, आर मिनट और सेकंड इस तरीके से डालना। मान लो मैं यहाँ पे ड्यूटी ऑन नाम से एक बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कितने बजे आपकी ड्यूटी ऑन हुई, इसका नाम मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा XSD में, ईमेल नाम का है। और इस पे इसका मैं क्या करता हूँ टाइम लिखता हूँ यहाँ पे, ये डेटा टाइप मैंने इसको टाइम दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये इनवैलिड है, ठीक है, बिल्कुल है ही इनवैलिड है, तो फर्जी है। अब हमें टाइम वैसे ही डालना है, आज डालने मान लीजिए 12 बज के यही कॉल इन लगाना है, 10 मिनट 10 सेकंड ऐसे करके टाइम डालना है और बिल्कुल एरर गॉन। इस तरीके से आप इसमें टाइम डाल सकते हो अपना, नीचे भी डाल देता हूँ जिससे नीचे एरर आ रही है वो खत्म हो। उसके बाद डेट टाइम से रिलेटेड ही हमारा, मतलब डेट हो गया अलग डेटा टाइप, टाइम अलग डेटा टाइप हो गया, एक डेट टाइम। अगर हम कोई ऐसा लेना चाहते हैं जहाँ पे डेट भी लिखी हो और टाइम भी लिखा हो एक साथ, तो अपन एक फील्ड और एक एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं, ड्यूटी ऑफ, इस नाम से मैंने एक एलिमेंट बना दिया। अब इसके अंदर मैं वैसा डालना चाहता हूँ और मुझे XSD में भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया मैंने और यही वही नाम रख दिया ड्यूटी ऑफ। अब यहाँ पे जो टाइम मैंने लिख रखा है इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ डेट टाइम। अब देखिए टी बड़ी लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर्स, है ना, गई है डेट टाइम। अब डेट टाइम डेटा टाइप है,
तो अब हमें दोनों चीजें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ये हमारा हो जाएगा डेट और ये हो जाएगा हमारा टाइम, और इनको हमें सेपरेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में टी लिखनी पड़ेगी, एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको स्पेस ना हो इसके अंदर, बीच में आप कैपिटल टी लिख दीजिए, ये अलग हो जाएगा, ये डेट हो गई हमारी और ये टाइम हो गया, तो टाइम के लिए हम टी लिख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा डेट टाइम डेटा टाइप हो गया। तो दोस्तों ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए, स्ट्रिंग डेसिमल इंटीजर हमने सारे देख लिए, बुलियन डेटा टाइप एक और है, बुलियन रह गया, डेट टाइम पे चले गए हम लोग, ठीक है बुलियन देख लेते हैं। बुलियन का बहुत सिंपल मतलब होता है, बूल मतलब ट्रू और फॉल्स, कहीं पे हम ट्रू और फॉल्स लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। एक और एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे और उसका नाम हम कुछ रख देते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स के लिए कुछ भी सेल्स मतलब कुछ लिख देते हैं कि हाँ भाई सेल्स में ये है बंदा कि नहीं है। अभी सेल्स नाम का मैंने एक लिख दिया तो इसके अंदर हम ट्रू फॉल्स लिखेंगे, आप ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हो, सेल्स नाम का हम यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा हमें। एक बात ध्यान रखना, आपको कभी लाइन ऐड करनी हुआ करे तो सिर्फ आप यहाँ पे कंट्रोल डी दबा दीजिए, उस लाइन पे नीचे कॉपी हो जाएगी वो लाइन सेल्स, ठीक है। और इसका मैंने यहाँ पे दे दिया बूलियन और यहाँ कोई एरर नहीं, देखिए आप ट्रू स्टोर कर दीजिए या फॉल्स स्टोर कर दीजिए कोई एरर नहीं। पर हाँ ये समझिए, इंटेलिजेंस इतना समझ रही है, अगर आपने यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल दी तो एरर आ जाएगी तुरंत, देखिए एरर आ गई है ना। आप अगर और कोई वैल्यू डाल देंगे एरर आएगी, बिल्कुल इसमें सिर्फ आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं बस, ये हमारा बुलियन डेटा टाइप है। तो दोस्तों ये हमारे डेटा टाइप्स थे कुछ एक्सएसडी में यूज करने के लिए, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।